हापुड़ में थाना हाफिजपुर पुलिस के ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर अंतर्राज्यीय शस्त्र अपराधी को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से निशानदेही पर 14 बनियत अवैध तमंचे व अवैध बंदूक, कुल 15 अवैध शस्त्र, जिंदा व खूंखार कारतूस तथा अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद। गिरफ्तार अभियुक्त अवैध शस्त्रों को बनाकर डिमांड आने पर आपराधिक किस्म के अपराधियों को करता था सप्लाई। गिरफ्तार अभियुक्त प्रत्येक अवैध तमंचे को 5,000 से 7,000 रुपए में बेचकर आर्थिक लाभ कमाता था। कारी नईम के साथ कैमरामैन आरिफ खान की रिपोर्ट। कल दिनांक 16 अप्रैल 2024 को हाफिजपुर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसके दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि बैजनाथपुर चौकी के सामने जो बंद पड़ा ईंट का भट्टा है, वहाँ पर छोटी छोटी कोठरियाँ बनी हुई हैं, जहाँ पर अवैध शस्त्र का निर्माण कार्य चल रहा है। हाफिजपुर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 टीमों का गठन किया और मौके पर छापेमारी की, जहाँ से अभियुक्त मैनपाल उर्फ अतुल निवासी ग्राम नान को गिरफ्तार किया गया है और यह थाने का HSP है। वहाँ से अवैध शस्त्र बनाने के सामान 11 तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, 1 बंदूक, 12 बोर आदि भी बरामद हुई है और एक अभियुक्त मौके का फायदा उठाकर भाग गया। जब इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री चेक की गई तो मैनपाल उर्फ अतुल पर दिल्ली, हापुड़, मेरठ के लगभग 3 दर्जन मुकदमे हैं, जो कि बहुत संगीन धाराओं में है। आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।